हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल माइनिंग टेक्निकल। आज के इस वीडियो में हम लोग गैस टेस्टिंग के लिए इम्पोर्टेंट एक वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। गैस टेस्टिंग सीरीज का ये 73rd वीडियो होगा और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे VEQ यानी वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चेंट एंड RQ के बारे में बात करेंगे यानी रेस्पिरेटरी क्वेश्चेंट। तो एक एक करके चलिए हम लोग जान लेते हैं कि दोनों आखिरकार है क्या। एग्जामिनेशन में काफ़ी पूछे जा रहे हैं आजकल गैस टेस्टिंग एग्जामिनेशन में, स्पेशली जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको ये सवाल हमेशा पूछे जा रहे हैं आजकल। तो चलिए जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि हमारे माइनिंग टेक्निकल ऐप पे ऑफर चल रहा है, लोरी ऑफर चल रहा है, जिसपे आपको ₹500 का फ्लैट डिस्काउंट मिलने वाला है ऑन सेलेक्टेड कोर्सेज और ये ऑफर वैलिड होगा 15 जनवरी 2020 तक। कूपन का कोड याद रखें LORI500 है और इसको आप अवेल कर सकते हैं मेगा क्रैश कोर्स को बाइक करने में, CMR 2017 कोर्स को बाइक करने में, एक्सप्लोसिव एंड शॉर्ट फायरिंग माइन मशीनरी मेथड ऑफ वर्किंग। तो 15 जनवरी तक इस कोड को अवेल करें और अफोर्डेबल प्राइस पे आप ये सारे कोर्सेज को परचेस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आखिर जानते हैं कि VEQ यानी वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चेंट आखिरकार होता क्या है। देखिए, एक रेशियो है जिसका वॉल्यूम ऑफ एयर रीचिंग इन लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन टू द वॉल्यूम ऑफ एयर इंटरिंग इन द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट की बात करें, बेसिकली ये वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चेंट माइन के लिए भी होता है, एक पर्टिकुलर माइन के लिए भी हो सकता है और डिस्ट्रिक्ट के लिए भी हो सकता है। अगर हम लोग डिस्ट्रिक्ट के लिए बात करते हैं तो ये एक रेशियो होता है कि लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन में कितना हवा पहुंच रहा है, ठीक है, उसका वॉल्यूम टू द एयर इंटरिंग द डिस्ट्रिक्ट, यानी जो हवा लास्ट वेंटिलेशन कनेक्शन तक पहुँच रहा है और जो डिस्ट्रिक्ट में जो हवा पहुँच रहा है, इनका रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चेंट, अगर हम लोग बात करते हैं एक डिस्ट्रिक्ट की VEQ के बारे में। सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे माइंस के टर्म में कि माइंस का VEQ क्या होगा, तो माइंस का VEQ होगा कि सभी फेसों में पहुंचने वाली टोटल हवा और खदान में घुसने वाली हवा का अनुपात यानी रेशियो को हम लोग बोलेंगे VEQ फॉर माइंस। जितना ज़्यादा VEQ होगा उतना अच्छा वेंटिलेशन होगा, ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे ये रिकमेंड भी किया जाता है कि VEQ यानी वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चेंट 70% से कम नहीं होना चाहिए। VEQ जैसा कि मैंने बताया कि डिस्ट्रिक्ट के लिए भी कैलकुलेट की जाती है और एक खदान के लिए भी कैलकुलेट की जाती है। अगर बात करते हैं VEQ की डिपेंडेंसी की, तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि कितना हवा लीक हो रही है, ठीक है, खदान में जाने वाली हवा या डिस्ट्रिक्ट में जाने वाली हवा कितना लीक कर रही है, इस पे VEQ डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा हवा लीक होगा उतना कम VEQ होगा और जितना कम हवा लीक करेगा उतना आपका चांसेस है ज़्यादा VEQ होने का, ठीक है। अब ये भी जान लेते हैं कि किन कारणों से, ठीक है, VEQ कम होता है यानी किन कारणों से हवा लीक होता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि आपका जो फैन ड्रिफ्ट है वहाँ पर ही लीकेज हो गया, फैन ड्रिफ्ट में लीकेज हो जाना, या फिर आपका एयर क्रॉसिंग ही खराब है, स्टॉपिंग खराब है, वेंटिलेशन स्टॉपिंग, वेंटिलेशन डोर खराब हो गया है, ठीक है, सरफेस में जो एयर लॉक है वहाँ खराब है, उसका डिज़ाइन ढंग से नहीं है, ठीक है। तो इन कारणों से क्या होता है कि हवा लीक होता है और हवा लीक होने के कारण क्या होता है कि वेंटिलेशन एफिशिएंसी क्वेश्चेंट डाउन होता है, कम होता है। इसको अगर आपको सही करना है तो आपको सही डिज़ाइन का एयर लॉक, वेंटिलेशन डोर, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग और जो भी अन्य तरह की स्टॉपिंग है या फिर जो डोर हैं या फिर एयर क्रॉसिंग है, उनको आपको सही डिज़ाइन का रखना होगा और साथ ही साथ उसको मेंटेन भी आपको अच्छे से करना होगा। तो ये तो हो गया VEQ के बारे में। अभी हम लोग बात कर लेते हैं रेस्पिरेटरी क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। ये है रेस्पिरेटरी क्वेश्चन, जिसे RQ भी कहा जाता है। बेसिकली RQ जो है वो ऑर्गेनिज्म्स के लिए भी है, ह्यूमंस के लिए भी है। तो ये एक रेशियो होता है, अगेन ये एक रेशियो होता है, किसका रेशियो होता है कि कितना कार्बन डाइऑक्साइड हमने रिलीज किया है, हम लोगों ने छोड़ा है और कितना ऑक्सीजन कंज्यूम किया है, इसका एक रेशियो होता है। अगर वैल्यू 0.83 होती है RQ की, तो इसका मतलब है कि पर्सन जो है वो रेस्ट पे है, और अगर इसकी वैल्यू 1 आ जाती है तो इसका मतलब ये है कि पर्सन हार्ड वर्क कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा काम कर रहा है, हैवी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हुआ आज का कंप्लीट वीडियो ऑन द टॉपिक रेस्पिरेटरी क्वेश्चेंट एंड VEQ। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हद तक पसंद आया होगा। अगर पसंद आएगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें हमेशा की तरह और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई भी डाउट है या सुझाव है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऑफर यहाँ पे अभी चल रहा है LORI 500 का,
जिसको आप अवेल कर सकते हैं कुछ कोर्सेज को बाई करने के लिए ऑन आवर माइंड टेक्निकल ऐप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।